क्या रेड नंबर रिटर्न आने वाला है ओवी 43 अपडेट के बाद, क्योंकि इस वाले एडवांस सर्वर में हम लोगों को रेड नंबर देखने को मिला है। जो रेड नंबर पहले हमारे गेम में हुआ करता था बिल्कुल लाल वाला, वही रेड नंबर इस वाले एडवांस सर्वर में हम सबको देखने को मिला है। शायद ओवी 41 अपडेट के बाद हमारे गेम से रेड नंबर को रिमूव कर दिया गया था, और उसके बाद जो हम लोग हेडशॉट मारते थे तो वहां पर रेड नंबर नहीं दिखाता था बल्कि येलो दिखाता था। और फिर ओवी 42 अपडेट के बाद फ्री फायर में इस वाले रेड नंबर को कर दिया गया था जैसा अभी के समय पर है, लेकिन इस वाले एडवांस सर्वर में हम सबको रेड नंबर देखने को मिला है जो पहले हमारे गेम में हुआ करता था। तो क्या इस ओवी 43 अपडेट के बाद हमारे गेम में रेड नंबर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कोई बंदा हमारे चैनल पर नया आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो गरीना ने हमारे गेम से रेड नंबर को इसलिए रिमूव किया था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि गेम में वायलेंस प्रमोट ना हो, इसीलिए गरीना ने हमारे गेम से रेड नंबर को रिमूव किया था। और जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी रेड नंबर हमारे गेम में रिटर्न आए तब तक रिटर्न नहीं आएगा रेड नंबर। तो सवाल ये आता है कि जब गेम में रेड नंबर आएगा ही नहीं तो एडवांस सर्वर में हम लोगों को रेड नंबर देखने को क्यों मिला है। देखो जो एडवांस सर्वर होता है ये स्पेशल इंडिया के लिए नहीं होता है बल्कि ये शायद सिंगापुर का होता है, और वही एडवांस सर्वर पूरे दुनिया में चलता है। हर कंट्री के लिए अलग अलग एडवांस सर्वर नहीं आता है बल्कि एक ही एडवांस सर्वर में पूरे दुनिया के लोग खेलते हैं, और हर जगह फ्री फायर बैन तो नहीं है, इसीलिए हमें एडवांस सर्वर में रेड नंबर देखने को मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस सर्वर में हमें रेड नंबर देखने को क्यों मिलता है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।